मैं ना पश्चिम बिहार से हूँ, तो मुझे आंखों में कुछ प्रॉब्लम नहीं। तो मेरी सिस्टर ने कहा यहाँ गुड़गांव में मेरे घर के सामने हॉस्पिटल है, तो आ जा, मैं तेरे को वहाँ दिखाती हूँ। तो मैंने वहाँ जाके दिखाया तो उन्होंने कहा कि अटैट है और बिल्कुल तैयार है आँख ऑपरेशन के लिए। तो मैंने फिर सेकेंड थॉट सोचा ही नहीं, क्योंकि मुझे वहाँ की इतनी अच्छी वाइब्रेशन आई, डॉक्टर इतने अच्छे से बात की डॉक्टर रीना सेठी ने, कि मेरे को लगा कि बस ये अभी मेरा ऑपरेशन कर दे और मुझे आराम आ जाए। तो अगले ही दिन की उन्होंने मुझे अपॉइंटमेंट दे दी और मेरा आँख का ऑपरेशन हो गया। तो मतलब बहुत अच्छे से उन्होंने मुझे ट्रीट किया, इवन कि उनका पूरा स्टाफ जो है ना सारा ही बहुत अच्छा है, बहुत प्यार से बात करते हैं। एक पेशेंट को यही चाहिए होता है कि पेशेंट के साथ जो है ना डॉक्टर और डॉक्टर का स्टाफ अच्छे से बात करे। तो ऑपरेशन के बाद दो तीन बार मेरा हॉस्पिटल में चेकअप के लिए जाना हुआ, तो एक दिन मेरे को डॉक्टर रीना मिली नहीं, तो उनका बेटा मुझे मिला आदित्य। तो आदित्य से मेरे चेकअप हुआ, सब कुछ उसने मेरा अच्छे से देखा, बहुत अच्छे से मुझे कन्विंस किया जो मुझे प्रॉब्लम थी उसके लिए। तो फिर ऐसे ही उसने जब एक बात बोली तो मुझे बहुत टच कर गई वो बात, कि आंटी हमारा जो पेशेंट होता है ना वो हमारा पेशेंट नहीं है, वो हमारा फैमिली मेंबर है। तो इस तरह की डॉक्टर जब बात करते हैं ना तो पेशेंट वैसे ही ठीक हो जाते हैं। तो मेरी आंख का ऑपरेशन बहुत सक्सेसफुल रहा, बहुत अच्छा रहा। तो फिर मैंने बिना किसी सेकंड थॉट के दूसरी आंख का भी ऑपरेशन करवा लिया, तो मेरी दोनों आंखों का ऑपरेशन हो गया, डॉक्टर रीना सेठी ने किया। और वहाँ जा करके उनसे चेकअप करा के उनसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं उनके लिए कितनी ब्लेसिंग्स करूँगा मैं, क्योंकि वो बहुत लोगों की मदद भी करती हैं। तो मेरे लिए तो ये बहुत अच्छा है।